स्टूडेंट्स, टू नंबर्स हुज सम इज 84, सो दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग रेशियो। यानी कोई दो संख्याएं हैं, उनका जो सम है वो 84 है, तो इस किस अनुपात में वो संख्याएं नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन है आपका कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा अनुपात है जिसमें वो संख्याएं नहीं हो सकती। तो देखिए, हम देखते हैं कि जैसे कोई दो संख्याएं हैं और उनका सम कितना है 84। देखते हैं यहां से, जैसे उनका सम 84 है, हम मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 84, कोई दो संख्या है। अब आते हैं देखिए रेशियो में, रेशियो 5:7, तो 5:7 में इनका सम कितना हो जाएगा आपका 5+7, आपका सम हो जाएगा 12। 5+7 आपका सम कितना हो जाएगा 12, और आपका 84 देखिए 12 से डिविजिबल है। जब 84 आपका 12 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इस रेशियो में संख्याएं हो सकती हैं, इस रेशियो में संख्याएं हो सकती हैं। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 13:8। अब इन दोनों का सम कितना है आपका 21, और संख्याओं का सम कितना है 84। यानी 84 से आपका 21 डिवाइजिबल है, तो आपका ये कह सकते हो कि संख्याएं इस रेशियो में भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके 21 है वो 84 से कट जाएगा, सॉरी 84 21 से कट जाएगा, डिवाइजिबल हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि इस रेशियो में भी संख्याएं हो सकती हैं। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, 1:3, इसमें 1 और 3 का सम कितना हो जाएगा 4, 1 और 3 का सम हो जाएगा 4, और संख्याओं का सम है आपका 84। तो देखिए आपका जो 84 है वो आपका 4 से भी डिवाइजिबल है, जब 84 4 से डिवाइजिबल हो जाएगा तो संख्याएं आपके 1 और 3 के रेशियो में भी हो सकती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 3:2, 3:2 में आप 3 और 2 का जो सम करेंगे कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 का सम हो जाएगा 5, और जो संख्याओं का सम दिया है 84, तो देखते हैं कि 84 है ये आपका 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी 5 से डिविजिबल करेंगे तो आपकी कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। जब कंप्लीट नंबर नहीं आएगा तो ये कह सकते हैं आपकी 3:2 ही आपका इस रेशियो में संख्याएं कंप्लीट संख्या नहीं होंगी, संख्याएं होंगी तो वो आपकी पॉइंट्स में होंगी, और हमारे यहाँ पे कंप्लीट नंबर्स होने चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन डी इज राइट, दैट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन दिस।